उत्तर प्रदेश के गोंडा में गुरुवार दोपहर चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में कई यात्रियों ने अपने जान से हाथ धो बैठे हैं और कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। घटना गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज के बॉर्डर पर हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही कई पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। स्थिति को देखते हुए SDRF को भी मौके पर बुलाया। रेलवे ने हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। हादसे की वजह से इस रूट से गुजरात से आने वाली 11 ट्रेन भी डाइवर्ट कर दी गई है और 2 ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। हादसे पर मौजूद लोगों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ। और दो बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ। एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियाँ खिसक चुकी हैं। यहाँ पे कैजुअल्टी भी हो सकती है, अभी उसका मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? और इस मामले में रेल अधिकारियों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ है। वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME, वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं, 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं। जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं। मौके पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक हादसे के समय ट्रेन में मौजूद 2 लोको पायलट सुरक्षित है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और ट्रेन के अंदर एहतियातन चेक इन अभियान चलाया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि कोई अंदर फंसा तो नहीं है। SDRF टीम ने मोर्चा संभाला हुआ है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रेल मंत्रालय से हादसे की उच्च स्तरीय जांच करने के आदेश दिए गए हैं। हादसे में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। घायलों को 50,000 की मदद का ऐलान किया गया।